किताबें आई एम फॉर WA नंबर 1267 ऑफ 2023 माय लॉर्ड। माय लॉर्ड देर आर टू अपेलेंट्स मैटर्स लिंक माय लॉर्ड देर आर टू रिट अपील्स माय लॉर्ड वन माई लर्नेड फ्रेंड इज अपेलिंग अदर वन इज 30.1 1 2 3 1 ऑफ 2024 माय लॉर्ड माई राइट लर्नेड राइट फ्रेंड आई एम हियर फॉर 1267 ज्ञानेंद्र प्रसाद पटेल। माय वन लॉर्ड टू थ्री वन इज द काउंसिल इज नॉट अवेलेबल इन 1 2 3 1 माय लॉर्ड मेरी ही उसका है माय लॉर्ड अच्छा मेरे ही टीम का माय लॉर्ड मेरी एसोसिएशन यस बोथ दे बट आई एम हियर अभी मैं इसमें 1 2 6 7 आर्यू कर रहा हूँ माय लॉर्ड ऑफ 2023 डब्ल्यू ए यस माय लॉर्ड इशू यह है लॉर्ड इसमें मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 माय लॉर्ड नोटिफिकेशन आया इसका माय लॉर्ड एंड वी हैव व्हेन वी सी द नोटिफिकेशन उसमें कुछ हमने फॉल्टी देखा माय लॉर्ड देन वी अप्रोच द अथॉरिटी एंड वी फाइल रिप्रेजेंटेशन। इसमें उन्होंने क्या किया था माय लॉर्ड हम महिला और एक्स सर्विस मैन हैं हमारे लिए एक स्पेशल कैटेगरी है माय लॉर्ड रिजर्वेशन की अपनी अपनी कैटेगरी में हमें एडजस्ट करने के लिए पर सपोज माय लॉर्ड 100 सीट यूआर की हैं तो 10% लेना है एक्स सर्विसमैन के और 33 लेना है महिलाओं को टोटल यूआर में ऐसे ही ओबीसी में हर सीट पे। माय लॉर्ड इन्होंने क्या किया रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए पहले ही लिख दिया कि हम वर्टिकल में ही सिर्फ कंसिडर करेंगे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे माय लॉर्ड जबकि रूल बुक में स्वयं लिखा है कि समायोजित करेंगे आपस में ही दोनों क्लॉज कॉन्ट्रडिक्टरी है। माय लॉर्ड में काइंडली सी लॉर्ड सिर्फ ये रिट पिटीशन का माय लॉर्ड देखेंगे नोटिफिकेशन लगा इसमें एनेक्जर दिनेश सिंह चौहान जी सर लॉर्डशिप एनेक्जर P1 माय लॉर्ड ऑफ रिट पिटीशन माय लॉर्ड ये नोटिफिकेशन है जो 2023 में आया माय लॉर्ड माय लॉर्ड इस पे क्लॉज देखेंगे सबसे पहले मैं माय लॉर्ड का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ पेज नंबर 53 पर ये पूरी चार्ट बना माय लॉर्ड जिसमें बताया गया है प्रिस्क्राइब किया गया है हर एक सीट के बारे में देखेंगे माय लॉर्ड बार चार्ट में टोटल सीट है 7090 मैरिड माय लॉर्ड हाँ माय लॉर्ड इसमें कांस्टेबल जीडी का टोटल सीट है 7090 माय लॉर्ड इसमें हर एक कैटेगरी में बताया गया है कितने कितने कैंडिडेट्स को लेना है माय लॉर्ड इसमें ओपन में यूआर के लिए बताया गया है ओबीसी के लिए बताया गया एससी के उसके नीचे एक्स सर्विसमैन 10% हर एक वर्टिकल कैटेगरी में 10% लेना है माय लॉर्ड उसके नीचे माय लॉर्ड होमगार्ड के लिए 15% कैटेगरी और 33% माय लॉर्ड जी 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 माय लॉर्ड 53 है रिट पिटीशन का पेज नंबर माय लॉर्ड इसमें अध्याय नंबर 1 है इसमें और टॉप पे लिखा है अध्याय नंबर 1 53 माय लॉर्ड रिट पिटीशन का वैसे माय लॉर्ड आप नोटिफिकेशन का P1 माय लॉर्ड ऊपर पेजिंग P1 का लॉर्डशिप क्लॉज देखने में लॉर्डशिप अध्याय देखने अध्याय 1 जी माय लॉर्ड उसके आगे बढ़ाएंगे जी 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 सर जी माय लॉर्ड आफ्टर 2 पेज माय लॉर्ड अध्याय 1 लिखा माय लॉर्ड जी माय लॉर्ड यहां पर पूरा चार्ट दिया माय लॉर्ड जी माय लॉर्ड ये सभी कैटेगरी और क्लास के लिए सीट्स इम्बार्क्ड हैं ऑलरेडी माय लॉर्ड टेन परसेंट फॉर एक्स सर्विसमैन टोटल सीट में से अपनी अपनी कैटेगरी सभी में से ओबीसी का 10% जी सर
ये है होम गार्ड्स के लिए, जो लोग होम गार्ड्स हैं लॉर्डशिप, तो होम गार्ड्स को भी उसमें 15% है जी माय लॉर्ड। हम जो दो कैटेगरीज में माय लॉर्ड, इसमें एक्स सर्विस मैन एंड फीमेल कैटेगरी माय लॉर्ड। अब माय लॉर्ड इसमें हर एक कैटेगरी में, ये जो वर्टिकल कैटेगरी है, वर्टिकल कैटेगरी के अंदर जो है माय लॉर्ड एडजस्ट करना है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, बिकॉज वी आर लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। एंड रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द अपेक्स कोर्ट इन द इंदिरा साहनी केस ऑल्सो दे आर वेरी क्लियर, सेज देयर आर टू टाइप ऑफ रिजर्वेशन, वन इज वर्टिकल रिजर्वेशन, वन इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। एंड इन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वी हैव टू एडजस्ट द हॉरिजॉन्टल इनसाइड द वर्टिकल रिजर्वेशन, हमें अलग से नहीं देना माय लॉर्ड, उसी के अंदर एडजस्ट करना है। और अगर मान लीजिए सपोज दैट माय लॉर्ड 100 सीट्स हैं, उसमें से 33 महिलाएं बिना रिजर्वेशन के आ गई हैं, देन वी डोंट नीड टू गिव एनी रिजर्वेशन। बट अगर नहीं आए माय लॉर्ड, देन उतने बच्चों को नीचे से डिलीट करते हुए 33% महिलाओं को रखना कंपलसरी है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इनके लिए रिजर्वेशन रखा है हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज, उनका कंपार्टमेंट कुछ सेफ है माय लॉर्ड। बट रिस्पॉन्डेंट ने माय लॉर्ड क्या किया है, ये इसके बाद माय लॉर्ड आएंगे इसमें। माय लॉर्ड वी कम टू पैरा माय लॉर्ड, पैरा एट माय लॉर्ड, इसी रूल बुक में ही माय लॉर्ड, इसका जो एट परीक्षा योजना है, मैरिट पैराइट में परीक्षा योजना माय लॉर्ड, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी माय लॉर्ड, उसके बाद पैरा नाइन में लॉसी क्लॉज 9 में प्रथम चरण की ये मार्क्स बताएंगे 100 मार्क्स, उसके बाद टेक्स्ट पेज माय लॉर्ड जिसमें लिखा है घा करके माय लॉर्ड, वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंकों के अनुसार जीडी पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा, विशेष सशस्त्र बल में विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके एक ही कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। मतलब कि हर एक वर्टिकल कैटेगरी के अकॉर्डिंग 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 100 अगर सीट है तो 700 बच्चों को बुलाया जाएगा, दैट इज कट ऑफ, बट ओनली वर्टिकल माय लॉर्ड, जबकि वहां उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल बुलाया जाएगा, बट यहां पर उन्होंने यही गलत किया माय लॉर्ड। अगला पेज देखिए माय लॉर्ड, उसी अगला पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल श्रेणियों के लिए पृथक से कट ऑफ अंकों का निर्धारण नहीं किया जाएगा, मतलब दिस इज रॉन्ग। मतलब अपने ही रूल बुक में इन्होंने क्या बताया माय लॉर्ड, मे काइंडली सी पैरा 14 क्लॉज 14 इसी का, इसी रूल बुक का माय लॉर्ड देखेंगे नेक्स्ट पेज में, बॉटम ऑफ पेज में देखें माय लॉर्ड, बॉटम ऑफ पेज में माय लॉर्ड यहां पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित गृह विभाग मत प्रशासन के ज्ञाप क्रमांक 100 श्रेणियों की हॉरिजॉन्टल श्रेणी विभाजित किया जाएगा, एंड नाउ हियर दे आर डिफरेंशिएटेड। लॉर्डशिप चार्ट में बिल्कुल क्लियर है इम्बाग ने सीट, यहां पर भी रूल्स सेज क्लियरली कि इनको लिया ही जाएगा, एंड यहां पर उन्होंने कहा हम अलग से कट ऑफ निर्धारित नहीं करेंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया है और आज से माय लॉर्ड फिजिकल एग्जाम स्टार्ट है, वो चलेगा 20 नवंबर तक। चार तारीख माय लॉर्ड सेवन आइटम नंबर 7 वाज आल्सो लिस्टेड वेयर द माय लॉर्ड्स हैव लिस्टेड आफ्टर 2 वीक्स इन दिस मैटर माय लॉर्ड प्रीलिमिनरी माय लॉर्ड इस पे क्या वी जी नॉट 7 वाज देयर माय लॉर्ड सेम नहीं सेम था ये सेम माय लॉर्ड क्या है फाइल को कभी कभी देख नहीं पाते सर, उसमें है कि आपने प्रथम पे ही 3 लिस्ट बनाई 87% 13% 13% और यहाँ पर आपने महिलाओं और एक्स सर्विसमैन को बुलाया ही नहीं, दे डिड नॉट कॉल एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल रिजर्व फील्ड, इट इज द सेम एडवर्टाइजमेंट। नाउ माय लॉर्ड एडवर्टाइजमेंट वांट इश्यूज वेरी डिफरेंट, यस सेम डेट में भी फिक्स नाउ माय लॉर्ड, बट अभी मैं जो प्रार्थना मेरी आई हैव फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एप्रोप्रिएट डायरेक्शन कि हम जो पिटिशनर कैन नॉट बी माय लॉर्ड फॉर द रीजंस
या जो उतने उतने कैंडिडेट हैं जो उस परसेंटेज में आते हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाए माय लॉर्ड, भले ही लास्ट डेट दिया जाए 20 नवंबर को दिया जाए 21 नवंबर को दिया जाए, क्योंकि फिजिकल चल रहा है माय लॉर्ड। और ऐसा पहले ही हुआ माय लॉर्ड, इन्होंने एक बार और गलती की है माय लॉर्ड, दिस इज अ फॉर्डर माय लॉर्ड, डिविजन बेंच ऑफ वन, एक मिनट माय लॉर्ड प्लीज। सर ये सिविल जज का एग्जाम था, 6% सीट रिजर्व थी किसके, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, इन्होंने क्लब डप कर दिया माय लॉर्ड, उनके लिए रिक्विजिट जो सीट थी उसका अनुपात नहीं बुलाया माय लॉर्ड। डिविजन बेंच वन ने कहा कि आपको सभी बच्चों को बुलाना है, भले वो पिटीशन लगाए हो ना लगाए हो, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए एंड कॉल देम इन द ईमेल से जानकारी, रिटर्न हो चुका है। मतलब दे वर अनसक्सेसफुल माय लॉर्ड एंड दे हैव चैलेंज दे हैव बीन दिस दे हैव बीन रिजेक्ट देयर कैंडिडेट्स हैव बीन रिजेक्टेड सो एंड दे आर कमिंग आफ्टर दैट इट इज एन आफ्टर थॉट दिस पिटीशन सो माय लॉर्ड दैट इज इवन अर्लियर आल्सो माय लॉर्ड माय लॉर्ड्स हैव ऑब्जर्व दैट दैट दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इंटरव्यू फाइनली इट मे बी टेकन अप ऑन एनी डे माय लॉर्ड यस We have challenged then participated. No, 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 man, it's not like government of the petition. Ballot, may read my petition, my petition, my decision. My lord, please this. My lord, no para appointment. I challenge when the notification is issued. Instantly, I have challenged. Please, sir, एक बार मैं clear कर लूँ. Paragraph 5.2 of the writ petition. Para 5.2 may be seen, my lords. What they have written, my lord. The petitioners have duly filled up the form on their online form and they belong to category of ex-servicemen and they've already participated in the examination process. They were unsuccessful candidates and therefore they are before the honorable court member. माय लॉर्ड दे हैव चैलेंज हमने दैट फॉर्म भरा माय लॉर्ड, बट वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन, व्हेन वी चैलेंज द नोटिफिकेशन देन वी पार्टिसिपेटेड इन इट। जी सर, माय लॉर्ड इट मे बी फिक्स ऑन एनी डेट नो प्रॉब्लम वी हैव प्रिपेयर्ड माय लॉर्ड एंड दिस मैटर इज कवर्ड बाय द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेयर द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इश्यूज हैव बीन डिस्क्राइब इन एग्जॉस्टिवली बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दिस इशू हैज बीन एनी फिक्स डेट माय लॉर्ड आफ्टर 2 वीक्स माय लॉर्ड सिंस आई एम लीविंग फॉर दिल्ली पोस्ट आफ्टरनून माय लॉर्ड सो आई एम जस्ट मेकिंग अ रिक्वेस्ट आइटम 35 इट्स अ फ्रेश मैटर इफ इट कैन बी टेकन अप नेक्स्ट वीक माय लॉर्ड Because I'm taking a flight, my lord, at 3 o'clock. Thirty-five, my lord. It's a fresh matter.